हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें अगर अभी आपने बाइंग की पोजीशन बनाई तो आपको मतलब कुछ ही दिन में 50% का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। ठीक है गाइस, तो हम स्टॉक का पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर वनडे का चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल्स वगैरह देखेंगे। और वीडियो से जुड़े रहिए, मैं आपको कुछ ही देर में मतलब स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ, स्टॉक का नाम क्या है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ये हमारे पास स्टॉक का चार्ट है वनडे टाइम, ये है वीकली चार्ट हमारा, मतलब 1 वीक का चार्ट है। और इसमें हमने लगाया हुआ है 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। नीचे लगा हुआ है हमारे हिलेगा मिलेगा सिस्टम। ठीक है, ये नीचे हमारे हिलेगा मिलेगा सिस्टम लगा हुआ है। जिसको इसके बारे में नहीं पता है, आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, इसे लगा सकते हो, इस पे आपको पता लगेगा कि ये बाइंग की पोजीशन कैसे देता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो ये इसका जो एक रजिस्टेंस एरिया था, ये आप देख सकते हैं, इसने फिलहाल ही इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट के साथ इसको ब्रेक किया है। मतलब अगर आपने यहाँ पे अभी इसका जो करंट प्राइस है 102 रुपये है, और अगर आप फर्स्ट टारगेट इसका 150 रुपये रखते हो, जो ये वाला मतलब एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है, जो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस ओवर देता है, तो वो एक अप ट्रेंड होता है। ठीक है गाइस, और नीचे की ओर क्रॉस ओवर देता है तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है। तो अभी अभी इसने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस ओवर दिया है, और ये एक शो कर रहा है कि अभी स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है। और नीचे आप देखोगे कि हिलेगा मिलेगा कि ये जो रेड लाइन है, ये नीचे से क्रॉस ओवर देती है, तो वो हमें बाइंग की पोजिशन देती है। नीचे ऊपर से आप देखोगे गाइस, जो मूविंग एवरेज ने तो बाद में मतलब बताया है कि हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए थी, जबकि नीचे जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ये नीचे क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे हमने बाय करना होता है, इसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपने बाइंग की पोजीशन बनानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने 65 रुपये के प्राइस पे ही बता दिया था कि यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, तो आपको अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस एरिया की, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे इसने कितने बार रिटेस्ट किया, 1 2 3 4 5 और 6 बार रिटेस्ट किया है, फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड के साथ ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, तो यहाँ पे हम लास्ट 3 या मतलब 4 ईयर का हम देखते हैं इसमें सेल्स या नेट प्रॉफिट क्या है इसके। तो अगर हम सेल्स की बात करें, 2019 में 4429 करोड़ की थी, फिर मार्च में कम हुई 1894 करोड़, फिर 1193 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी उस अकॉर्डिंग डिक्रीज हुआ है, और फाइनली 2021 में कितना था नेट प्रॉफिट, -469 करोड़। और क्वार्टर वाइज गाइज अभी कंपनी लॉस में जा रही है। और उसके अलावा हो सकता है कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा 21-22 का, इसमें कंपनी प्रॉफिट में आए तो आपका अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है। और अगर हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट की नेट प्रॉफिट देखें, तो क्वार्टर वाइज नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लास्ट 4 क्वार्टर की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट था 129 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर यहाँ पे 82 करोड़, फिर -166 करोड़। तो अगर इसमें आपने थोड़े थोड़े स्टॉक बाय किए, तो आपको मतलब ये कोई कंपनी मतलब गाइस कितना मतलब लॉस में होगी। अगर इनका काम है बॉम्बे डाइंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2115 करोड़ का है, करंट प्राइस 102 रुपये का है, और बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है स्टॉक का प्राइस। और गाइस अगर आपने इस लेवल पे बाय किया और कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है, तो यहाँ पे आपको 150 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। और ये 1 वीक का चार्ट है यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है, और फाइनली इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो आपको अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो आप इस लेवल पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करके आपको अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू गाइस, थैंक यू।